अस्सलाम वालेकुम फ्रीडम न्यूज के साथ मैं हूँ सैयद अमार सैदी। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। दिलीप कुमार का शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग के लिए वक्त देना नहीं भूल सकता वजीर आजम इमरान खान। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि दिलीप कुमार की शौकत खानम अस्पताल की फंडिंग की तकरीब में शिरकत से इब्तदाई तौर पर फंड का 10% हिस्सा जमा किया गया था। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और लंदन में दिलीप कुमार ने इमदाद जमा कराने में हमारी बहुत मदद की। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे बड़े और वर्सटाइल एक्टर थे। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत मंजूर। आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बीमारी के बायस एम्बुलेंस में अदालत पहुंचे और अपनी हाजिरी लगवाई। अदालत ने आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इन्हें 5 लाख रुपए के जमानती मचकले जमा करवाने का हुक्म दिया। तरक्की का पहिया पसमानदा इलाकों की तरफ मोड़ दिया। सेहत की सहूलियात अव्वलीन तरजीह हैं उस्मान बुज़दार। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तौंसा के नवाही इलाके चौंकीवाला सड़क की तामीर के मंसूबे का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब को सड़क की तामीर के अहम मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इन्होंने ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट में तरक्याती मटेरियल और दीगर उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि पसमानदा इलाकों की किस्मत बदल दूंगा, यही मेरा अहद और अजम है। जुनूबी पंजाब के जवानों के लिए सूबाई मुलाजमतों में 32% कोटा मुख्तस कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि हर जिला और हर तहसील में जाकर मसाइल और जरूरियात का जायजा ले रहा हूँ। आज अपने भाइयों के पास उनकी खिदमत के लिए आया हूँ। पंजाब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% ग्रांट का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव या स्पेशल अलाउंस ना लेने वाले ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले का इतलाक 1 जून से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा 2017 की बुनियादी तनख्वाहों पर लगेगा। फिलहाल न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़।